विकास, नंदिनी की बहुत टेंशन है मेरे को। मुझे भी लग रहा है बहुत। लखनऊ की बेइज्जती कराएगी। बहुत स्ट्रेस्ड है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश करती है। ओंद्रीला एक काफी एलिमेंट है पेट में, बहुत घबराई हुई है। उसकी एक चीज है, हर दफे घबराती है, मगर कुछ डाल देती पेट में। एंड शी इज वेरी एक्टिव, वो अलर्ट है बहुत ज्यादा, प्लानिंग पूरी है। कंटेस्टेंट्स, तीसरे इंग्रेडिएंट के रिवील होने का वक्त हो गया है। अभी क्या इंग्रेडिएंट बाहर आएगा? अगर कुछ अटपटा आया तो मेरी डिश तो वैसे ही चली जाएगी, बिकॉज दो चीजों को मैं सिर्फ सर्व नहीं कर सकता। और ये रहा आपका तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट, बेसन। बेसन देखिए, मेरा अभी ऑलरेडी होश उड़ चुका, मेरा बाव बन रहा है जो चाइनीज डिश है, और पता नहीं वो चाइनीज डिश और इंडियन के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं लिटरली शॉक में हूँ कि बेसन, केला, कोकोनट, पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है। बेसन मेरे लिए पकौड़े खाने का चीज है, ना ही डिजर्ट में यूज करने का, क्योंकि बंगालीज में बेसन का यूज डिजर्ट में नहीं होता है। और अमूल पार्लर में जाने के 2 मिनट शुरू होते हैं अब। इस चुनौती की ये आखिरी पैंट्री पिकअप है। पैंट्री में जाती हूँ और वहाँ जाके मैं बेसन उठा रही हूँ, उसके साथ मुझे लगा कि कुछ और भी ऐड करना होगा, तो मैंने गार्लिक उठाया और मैं ये दो चीज लेके अपने काउंटर पे वापस आ गई। अगर ये बेसन मुझे स्टार्टिंग में मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरा जो योगर्ट एंड कोकोनट क्रीम का सॉस मैंने बनाया उसको बेसन बाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं इसको अभी यूज करूंगा ताकि ये जो सॉस है थोड़ा बाइंड हो सके। अविनाश, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। अभी तक गुड न्यू ईयर है कि बैड न्यू ईयर? अभी तक सब कुछ गुड चल रहा है, जो प्लान था उसी हिसाब से चल रहा है। बन क्या रहा है? मैं एक टैंगी सॉस के साथ स्वीट कोकोनट राइस दे रहा हूँ। जो टैंगी सॉस है उसमें योगर्ट है कोकोनट क्रीम में, एंड बेसन जो अभी है उसको थोड़ा फिक करने के लिए यूज करूंगा, एंड एक कॉन्फी बासा है जिसको मैं लास्ट में थोड़ा जो चारकोल, मतलब एक मच्छी है। अविनाश, कितना अच्छा मौका था कोकोनट को यहाँ पे इस्तेमाल करने का, पोस्ट कर सकते थे। कोकोनट ऑयल में कॉफी की हुई मच्छी अगर आप बोल भी देते ना तो डिश आपकी ऑलरेडी जीत गई होती हमारे मन में। मैं उसको ट्राई करूंगा कि वो जो टू लेट। विजय जी, हाँ जी, कोकोनट था आपके पास, हाँ जी, केला था आपके पास, हाँ जी, और साउथ इंडिया में तो काफी होता इस्तेमाल है। हाँ जी, ये मैं स्पेशल जापानीज का मैं बना रही हूँ, राजमा का स्वीट है, नारियल भी डाल राजमा के साथ। हाँ जी, आज की जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स है हाँ। उनमें तो राजमा नहीं था, नहीं ना था। ही चावल था। हाँ जी, मैंने नारियल यूज किया, नारियल मिल्क यूज किया, और बनाना एंड गुड़, और अभी हनी डालने वाले, लेमन है, लेमन जेस्ट है, और बेसन, बेसन भी डाला है, केला भी डाला है। हाँ जी, तो ये बर्फी बनेगा, जो भी आ रहा है वो सब कुछ आप इसी में डालती हाँ जा रही है, डालती जा रही है, डालती जा रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ जी। तो मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ? सोच रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ। फिर मेरा नजर पड़ा कि मेरा टुई का बोल छोड़ा हुआ है जिसमें मैं मैदा ऐड करने वाली हूँ। मुझे लगा कि चलो आज इसी को ट्राई कर लेते हैं, कि बेसन डाल देती हूँ मैदे की जगह, शायद काम कर जाए। कंटेस्टेंट्स, घड़ी की तरफ देखिए, सिर्फ 10 मिनट आपके पास। अभी तक किसी के भी काउंटर पे मुझे प्लेट नहीं दिख रही है, किसी का भी काउंटर साफ नहीं दिख रहा है, प्लेट रखने की जगह भी नहीं बनी। अभी मेरे पास 10 मिनट ही बचे हैं, और उस बीच अभी मेरे को अपने जो राइस है उनको भी फ्लेवर अप करना है। मेरी मानी को एक अलग जो टेक्सचर में देना चाहता हूँ, स्मूथ वाला ब्लेंड करके वो भी देना चाहता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी प्रेशर कुकर से मानी का प्रेशर निकाल के एंड उसको मिक्सी में चर्न किया, वो एक विस्फोट हो गया। प्रिंस, वो पूरे किचन काउंटर में नताशा जी के इंग्रेडिएंट्स सब पे मेरी मानी ऐसे फैल गई। सब यहाँ पे स्प्लैटर हो गया मेरे इंग्रेडिएंट्स में। सॉरी 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 सॉरी। इंग्रेडिएंट्स एक डिश और बचे हैं सिर्फ 3 मिनट। कहते हैं नए साल की अच्छी शुरुआत हो तो पूरा साल अच्छा जाता है। अच्छी डिश बनाइए और 2020 अपने नाम कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, 3 मिनट।
गाइस आपका ध्यान इस टाइम सिर्फ प्लेटिंग पे होना चाहिए, स्टे फोकस्ड ऑन प्लेट्स। प्लेट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली ऑरेंज टोन में आ रहे हैं, कुछ उसमें कट नहीं हो रहा है, सारा कुछ एक जैसे सिमेट्रिकल कलर का दिख रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। आकांक्षा जी सर, एक बात बोलो, एक मिनट रुको, तीन मिनट बचे हैं, तीन मिनट बहुत हैं और आप इससे अच्छी प्लेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने पूरी प्लेट अपनी वॉश की और फिर से वापस प्लेटिंग शुरू की। मैं फिर से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी सुंदर लगे। उल्का देखे है क्या? हल्दी कच्चे लिखाओगे आप? सॉरी सर। सिर्फ दो मिनट है आपके पास, अपनी गेम फिनिश होने से बचा लीजिए। कीप द प्लेट्स क्लीन, स्टे फोकस। मेरे प्लेट पे दिख रहा है एक बड़ा सा बाव जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना बड़ा हो जाएगा। मेरा जो कस्टर्ड है वो मैदा इतना ज्यादा थिक हो गया है कि कस्टर्ड को सब सूख लिया। लास्ट कार्ड मिनट बचा है, प्लेटिंग करना बचा है, मुझे टाइम लग रहा है काफी कि मैं चीजों को इनकॉर्पोरेट करके एक साथ प्लेट में डाल सकूं। थोड़ा चुस्ती दिखाइए, फुर्ती दिखाइए, आपके पास सिर्फ 60 सेकंड बाकी हैं। प्लेटिंग फिनिश कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 काम बंद हाथ पीछे। फाइनली कांटेश्वर जी रुक गए और मेरा जो डिश है मेरे प्लेट के ऊपर इतना सुंदर लग रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। टाइम खत्म हो चुका है, मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने सॉस को स्ट्रेन कर पाई हूँ, इसके अलावा मेरे पास प्लेट में और कुछ भी नहीं है। 2020 चैलेंज की ये डिश शायद मुझे डुबा देगी, क्योंकि मेरी डिश में जितने भी इंग्रेडिएंट थे उनमें से सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट प्लेट पे गए हुए हैं और बाकी नहीं गए हुए हैं। अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया को पावर्ड बाय मामी हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग ऑयल एंड स्लीक किचन्स बाय एशियन पेंट्स किचन प्रोटेक्शन पार्टनर बेगॉन में आपकी आज की चुनौती थी 2020 चैलेंज।